हैं कि केमिकल फार्मूला किसी भी केमिकल नेम की हेल्प से किस तरह से लिख सकते हैं। वी डू नो इट विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस लेक्चर, है ना। सो अब हम ये जानेंगे कि केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स होती हैं। केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स कौन सी? मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला की मैं बात करूं तो एम्पिरिकल फार्मूला असल में हमें बता रहा होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने रेशो के साथ में हमारे एटम्स मौजूद हैं। मैं ये कहूँ कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर 6:4 का रेशो है, किसका? बॉयज एंड गर्ल्स का। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि 6:4 के रेशो से कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का कितना रेशो है उस क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि 6:4 इज टेलिंग अस। बिल्कुल इस तरह से अगर मैं कहूँ कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो जिस तरह से हमें पता चल रहा है क्लास के अंदर, बिल्कुल इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारे एटम्स का रेशो मॉलिक्यूल के अंदर कितना है। तो हमें किस तरह से पता चल रहा होता है? विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तभी हम ये कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला है। और ये सिंपलेस्ट फार्मूला क्यों है? क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो को बता रहा होता है। और हमें क्या पता चल रहा होता है इससे? रेशो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि रेशो पता चल रहा होता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल दें आपको, सो लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना नजर आ रहा है हमें। अगर हम यहां देखें तो कार्बन का रेशो है 1, हाइड्रोजन का रेशो कितना है? 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। और पता है ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ये तो आप जानते हो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हम उसको कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट भी नहीं, कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में मौजूद है, है ना। तो उसमें क्या पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है कि सोडियम और क्लोरीन में 1:1 का रेशो है, ठीक है। तो ये जो कॉलन है ना, ये हमें बता रहा है कि भाई 1:1 का रेशो है। अब हमें सोडियम और क्लोरीन के अंदर देखने के बाद में अगर आप देखो तो आपको शायद अंदाजा हो जाए और हो जाना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। जब हम केमिकल फार्मूला को भी डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात बताई थी आपको कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और ये इस तरह से पाया जाता है कि ये 3-डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और एक सोडियम बहुत सारे क्लोरीन के साथ में इंटरैक्शन कर रहा होता है, बिल्कुल इस तरह से वो क्लोरीन बहुत सारे सोडियम के साथ में इंटरैक्शन कर रहे होते हैं। और वो बहुत सारे कितने होते हैं? हर स्पेसिफिक क्रिस्टल के अंदर 6 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पता ये चला कि जिस सोडियम और क्लोरीन का उस क्रिस्टल फॉर्म के करने के लिए जो फॉर्मूला यूनिट लग रहा है वो है सोडियम क्लोराइड। तो हम कहते हैं सिंपली कि सोडियम क्लोराइड का ये जो ये चीज है ये क्या है? फॉर्मूला यूनिट है। और फॉर्मूला यूनिट होता क्या है? फॉर्मूला यूनिट हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि आयंस के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे एटम्स क्या कर रहे होते हैं? हर तरफ से बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, 3-डायमेंशनल बॉन्डिंग कर रहे होते हैं।
और उसकी फॉर्म में वो क्रिस्टल बना रहे होते हैं। ओके, हम ये नहीं कहते कि आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे जो एटम्स होते हैं वो सारे अलग अलग मौजूद होते हैं, नहीं, वो दूसरे हर एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड हुए होते हैं, टाइटली बाउंड हुए हुए होते हैं। यही वजह है कि हम उसके लिए फार्मूला यूनिट की टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं और उनके एम्पेरिकल फार्मूला और मैं कहूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम ही होते हैं। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम सोडियम क्लोराइड का कहते हैं कि फार्मूला यूनिट और एम्पेरिकल फार्मूला बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होता है। अब अगर हम ये बताएं कि एम्पेरिकल फार्मूला तो हमने यहाँ पे जान लिया कि क्या होता है, ठीक है, कि भाई ये सिंपलेस्ट रेशो होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, इसके अंदर हम रेशो ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है भाई रेशो ऑफ एटम्स कितना है हमारे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का के अंदर उस स्पेसिफिक एटम का। जैसे हमें यहाँ पे पता चला कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर 1:2:1 का रेशो है, बिल्कुल इस तरह हमें सोडियम क्लोराइड के अंदर पता चल रहा है कि 1:1 के रेशो से हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। सो अब अगर हम ये कहें कि नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि हम फर्दर ऑन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल टेल यू एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, तो तभी हम ये कहते हैं कि हमें कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा होता है हमारे एटम्स के। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला दैट टेल्स अस द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इट टेल्स अस अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ओके इन अ मॉलिक्यूल। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जाम्पल ली थी, ग्लूकोज की, है ना। सो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2O, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात बताऊँ ना, तो ये है C6H12O6। ओके, सो दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। हमने देखा कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चल रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, जबकि हमें यहाँ पे रेशियो पता चल रहा था कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब यू माइट बी थिंकिंग कि इज देयर एनी थिंग दैट वी कैन डू टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिल्कुल, हमारे पास अगर आप एक चीज देखो तो ये क्या था, CH2O था और यहाँ पे क्या था, C6H12O6। तो अगर मैं इसमें से कोई एक नंबर कॉमन लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ कॉमन CH2O, सही, और बाहर क्या आ जाएगा जो मैंने कॉमन लिया है, और कॉमन मैंने क्या लिया है, कॉमन मैंने लिया है 6, ठीक है। यानी कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला था, उसके अंदर मैंने एक चीज ले ली कॉमन, और चीज क्या है, वो 6 नंबर है, वो 6 नंबर मैंने कॉमन ले लिया, तो पता चल रहा है कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो तो फिर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो ये जो ये 6 है ना, ये असल में कहलाता है इंटीजर नंबर, ठीक है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एन कितना है, 6 है। सो वी कैन से के एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटीजर नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, नाउ अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि ये एन कितना है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करके किससे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको कहां से मिल रहा होगा, बाय कैलकुलेटिंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, ये इधर आ जाएगा, और अगर आप इसका
मास फाइंड आउट करते हो बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड बाय एडिंग इट टू हाइड्रोजन एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इनटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स. इन सब का आप सम करोगे, यहाँ लिख दोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, करके देखें. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज हम फाइंड आउट करना चाहें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 12 × 6 + 12 + एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास प्लस 16 × 1, क्योंकि 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 1. हम इसको करते हैं कैलकुलेट तो ये बन जाता है 180 एंड बाय कैलकुलेटिंग दिस 30. 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जाता 3, 3 सिक्स 18. तो देखा आपने n क्या आया, n इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर भी हमारा n 6 ही है. अब स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी कि हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, जैसे कि CH4, वाटर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कि जिनके अंदर हमें पता ही चल रहा है कि हाँ भाई कार्बन 1:4 के रेशो के साथ में मौजूद है. वाटर के अंदर H और ऑक्सीजन के दरमियान में, O के दरमियान में 2:1 का रेशो है. सिलिकॉन और ऑक्सीजन में 1:2 का रेशो है. तो ये जो रेशोज हैं ये यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हमारे एटम्स इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इस स्पेसिफिक रेशो के साथ में मौजूद है. लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं. ओके, सो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये केस लिखे और हमने यहाँ पे आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड का भी यही केस है कि इसका फार्मूला यूनिट और इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही लगता है. बिल्कुल इस तरह से अगर मैं एक और कंपाउंड का नाम बताऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा KCl. KCl भी एक सॉल्ट ही है, एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी है कि इसका फॉर्मूला यूनिट भी क्या है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. वी आर गोइंग टू मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक. यहाँ तक हम लोगों ने ये बात जान ली है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी क्या होता है, हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया. साथ ही साथ हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में भी जाना. तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.